अस्सलाम वालेकुम, शफीक लबे जायका में आप सभी का वेलकम है। आज हम बनाएंगे हल्दी के लड्डू। इसके लिए हमने ये 50 ग्राम हल्दी ली है। ये हमने हल्दी कच्ची ली है, इसको हमने बॉईल किया है और सुखा के इसका ये पाउडर बनाया है। और ये हमने हाफ के जी गुड़ लिया है, इलायची पाउडर है, ये किशमिश है, छुहारा हमने लिया है 150 ग्राम, एक कटोरी भर की है ये। ये हमने काट करके लिया है। और ये हमने 2 कटोरी नारियल लिया है, 250 ग्राम नारियल है ये। और ये हमने बादाम एक कटोरी ली है, इसको भी हमने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और ये हमने काजू भी लिया है, ये भी एक कटोरी है, ये हमने काट करके लिया है। और एक बड़ी कटोरी हमने देसी घी लिया है। और ये हमने सूजी ली है, सेमोलिना इस कप से 1 कप नाप के लिया है, 300 ग्राम है ये। और ये हमने अलसी के बीज लिए हैं, 100 ग्राम है ये हमारा। इसको हमने साफ करके अच्छे से बीन के लिया है। और ये 2 कप हमने, जिस कप से हमने सूजी लिया था, इसी कप से हमने सत्तू का आटा लिया है। आप नॉर्मल आटा भी ले सकते हैं, हमने इसलिए लिया है इसको, थोड़ी सी सौंधी सी खुशबू इसमें अच्छी सी आती है। सबसे पहले हमने फ्लेम ऑन किया है और गैस पे पैन रखा है, इसमें ये अलसी को भून लेंगे अच्छी सी खुशबू आने तक। इसको भूनते हैं, फ्लेम को हमने लो मीडियम रखा है। और ये देखिए अलसी हमारे अच्छे से भुन गए हैं, इसमें चटकने की आवाज़ आ रही है और अच्छी सी खुशबू भी आ रही है इसमें। अब इसको हम निकाल लेंगे। प्लेट में और हमने ये कढ़ाही रखी है, इसमें हम हाफ कटोरी घी डाल देते हैं। ये हमने डाल दिया और एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें हल्का सा लाइट सा भूनना है। घी हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें कोकोनट है जो हमने काट के रखे थे उसको डाल देंगे। इसको भून लेते हैं साथ में। हल्का सा भुन गया है ये, अब हम इसमें बादाम डालेंगे, छुहारा डालेंगे और ये काजू है इसको भी डाल देंगे। और सभी चीज़ों को अच्छे से लाइट गोल्डन भूनते हैं। ये देखिए ये भुन गए हैं, अब किशमिश है इसको भी डाल देते हैं। ये हो गया है, अच्छा सा भुन गया है हल्का सा।
तो हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए हमने निकाल लिया है। अब इस इधर हमने जो घी बचा हुआ है इसी में हल्दी है इसको डाल देंगे और अच्छे से इसको भी भूनते हैं, इसका कच्चापन चला जाए। दिमाग की कमज़ोरी, अगर किसी की कमर में दर्द घुटने में दर्द है ये बना के खाइए आप लोग। विंटर में वैसे भी खाना चाहिए। अच्छे से भून लेंगे इसको। कितना अच्छा सा कलर आया है इसका। ये भुन गया है, अब हम इसमें सूजी डाल देते हैं, सेमोलिना, और इसको भी साथ में भूनते हैं। अच्छी सी खुशबू आने तक। और ये देखिए इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगी है, कितना अच्छा सा कलर आया है इसमें हल्दी का। अब हम इसमें सत्तू का आटा है इसको भी डाल देंगे और साथ में अच्छे से इसको भी भून लेंगे, सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ये देखिए ये अच्छे से भुन गया है, अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें। अब इसमें हम देसी घी डाल देंगे। दो चम्मच हमने डाला भर भर के, अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये हमने निकाल लिया है। अब इधर हमने उसी कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालना है और ये जो हमने गुड़ लिया है इसको डाल देते हैं और गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। धीमी आंच पर हमने रखा है इसको। पकने देते हैं इसको। और इधर हमने जो अलसी ली है इसको मिक्सी जार में डाल के पीस लेते हैं। और ये हमने अलसी को पीस लिया है। और ये इलायची पाउडर है इसको भी डाल देंगे इसमें और अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें। और हमने अलसी पाउडर इसमें डाल दिया है। इसमें हल्दी और
अलसी का पाउडर डालने से चार चांद लग गया है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि हम बता नहीं सकते। और इधर हमने गुड़ को रखा है, यह मेल्ट हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और इसको छान के इसी में डाल लेते हैं। और ये देखिए सारा गुड़ हमने छान के इसमें डाल लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको भी इसी में डाल देते हैं। और ये घी बचा हुआ है, इसको भी इसी में डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, हाथों से मिक्स करते हैं, अच्छा बनेगा। ये देख लीजिए जल रहा है, अगर तो थोड़ा सा ठंडा कर लें इसको, तब हाथ से छुएं। मिक्स कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और ये देखिए ये हल्के से ठंडे हो गए हैं, छूने लायक हैं। हल्के हल्के गर्म में ही इसके लड्डू बांध लेंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। थोड़ा सा हमने बना के रखे थे पहले से ही, बस आप अपने अंदाज से कितने बड़े चाहिए आपको उतने बड़े ही बना लें। इसी तरह से सारे हम रेडी कर लेते हैं। और ये देखिए हमारे हल्दी के लड्डू रेडी हो गए हैं। ये देखिए एकदम सॉफ्ट हैं। ये देखिए आप लोग भी बनाइए और हमें बताइए कि आप लोगों को खाने में ये कैसा लगा। अगर आप लोगों को हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।